हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोगों को स्ट्रीट लाइट टाइमर जो आता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। टाइमर देख सकते हैं, ये जो टाइमर हमारे एक इम्पोर्टेंस पार्ट्स है, जैसे कि हम अपने अनुसार जो है हम कोई सा भी उपकरण को यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। जैसे कि लाइट हो गया, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है, कोई सा भी एग्जांपल लाइट है, हम बता रहे हैं लाइट, हम चाहते हैं या रात को चालू हो जाए, दिन को बंद हो जाए ऑटोमेटिक तरीके से, तो वो कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। या पंप है, मोटर का पंप है, वो आप चाहते हैं हमारे 1 घंटा मोटर चले, आधा घंटा में बंद रहे, 2 घंटा चले, 4 घंटा बंद रहे, या एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं। आपको कंट्रोल कुछ करना है टाइमिंग के हिसाब से आप चाहते हैं, तो वो कंडीशन में ये टाइमर आप यूज कर सकते हैं। बहुत से टाइमर है ऑटोमेटिक तरीके से, बहुत से टाइमर है, लेकिन ये हमारा जो है, ये जो हमारा टाइमर है, इसमें आपको कॉन्टैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा 30 एम्पियर तक कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट कॉन्टैक्टर के। 220-240 वोल्टेज पर ये वर्क करेगा। तो इसको कैसे सेटिंग करते हैं ये आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम तो पूरा वीडियो देखिए, ये वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप जो ये वीडियो जो है नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें, जिससे और भी लोग सीख सके देख सके। आप सबका हेल्प जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक टाइमर है, ये टाइमर हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं लोड के लिए है। और ये मोटर वगैरह, मोटर हो गया, लाइट वगैरह हो गया, कोई सा भी एग्जांपल है हमें टाइमिंग से यूज करना है, चाहते हैं अब जो कि 1 घंटा चले, 1 घंटा बंद रहे, या 8 घंटा के बाद चालू हो या बंद हो, कोई सा भी टाइमर पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोड कैपेसिटी जो लिखा हुआ है 30 एम्पियर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा टाइमर चलेगा ये 30 एम्पियर तक ये चला सकते हैं, लोड डाल सकते हैं इसमें। ये हमारा है 60 हार्जेड या 50 हार्जेड में कोई भी चलेगा। और वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं 250 वोल्टेज है इसमें, ये टाइम स्विच है, ये कंपनी का है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग को दिखाने जा रहे हैं, इसमें क्या फंक्शन रहता है, सेटिंग वगैरह कैसे रहता है। तो ये देखिए हमारे पास एक जूना है, पुराना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से हमने ये इसका कवर रहता है, ये हम ये जो है ऊपर का कवर रहता है, तो इसको कवर जो है हमें यहाँ से खोल करके इस तरह से निकाल लेना है। देखिए ये जो है कवर जो है इस तरह से पैक रहता है, इसको हम खोल कर निकाल लेना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इसके टाइमिंग के लिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, ये रेड कलर का व्हाइट कलर का है, यानी रेड कलर का जो है ये हमें ऑन करेगा, व्हाइट कलर का ये हमें ऑफ करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर पर, यानी कि अभी ये देख सकते हैं 8 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो 8 पर आएगा तो ये अभी चालू हो गया है। वापस जो यहाँ पर इस तरह से 9 पर एक टाइमर जिस तरह घूमेगा तो ये यहाँ पर से बंद हो जाएगा, ये 9 आया तो यहाँ बंद हो जाएगा 1 घंटा पर। वापस ये 10 बजे हमारे देख सकते हैं यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 पर आएगा तो ये 10 पर आएगा तो वापस देख सकते हैं यहाँ पर देखिए चेंज होता है किस तरह से, यहाँ से देखिए ये कटआउट, ये देखिए यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर वापस ये ऑन बंद हो गया। यानी कि इसी तरह से हम कितना पे भी आप सेट करना चाहते हैं इसको, 5 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, अपने अनुसार इसको टाइमिंग चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मोटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, एग्जाम्पल कोई सा भी किधर भी आपको चाहते हैं, कोई सा भी उपकरण है एम्पियर यानी 30 एम्पियर तक लोड लेगा, उसको आप टाइमिंग के अनुसार इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो में है ये टाइमर आप यूज कर सकते हैं। ये देखते हैं हैवी इंडस्ट्रियल के लिए है, हैवी यूज के लिए है, 30 एम्पियर तक का ये लेता है। बाकी इसका मोटर वगैरह क्या रहता है इसके अंदर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये हमारे टाइमर के लिए था, पावर स्टार लाइट वगैरह है, कोई सा भी है, ये हमारा पुराना है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा अभी है 5 बजे है, 5 बजे सुबह का टाइम ये बंद हो जाएगा। और यहाँ से ये जो हमारा इस तरह से जाता है, ये जो टाइमर इस तरह से चलता है, ये रोटीन जो है मोटर में लगा हुआ है, किस तरह से हम मोटर दिखाते हैं, इस तरह से घूमता है चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 17 टाइम लिखा हुआ, 17 बजे आएगा, 17:30 बजे ये बंद हो जाएगा, इस तरह देखिए ये बंद हो जाएगा। वापस जो इस तरह से चल चल के टाइम जो है ऑटोमेटिक 8 घंटे के बाद आएगा, तो हमारे 5:56 पर आएगा, जैसे देखिए 5:30 पर लिखा हुआ है, 5:30 पर है, तो 5:30 पर आएगा तो इस तरह से घूम घूम के जाएगा, ये इस तरह से ऑन ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, कोई सा भी यहाँ पर रख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, रख सकते हैं कहीं से भी रख सकते हैं, अपने टाइम अनुसार को सेटिंग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मोटर क्या रहता है, कैसे रहता है, ये हम आप लोग को दिखा देते हैं नजदीक में, ये हमारे पास खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पावर, लिखा हुआ है यहाँ पर लोड, लिखा हुआ है
तो यहाँ पर जो हमारा फेस न्यूट्रल इन होता है, यहाँ पर जो हमारा फेस न्यूट्रल इन होगा और यहाँ से फेस न्यूट्रल ही हमारा आउट होगा। ये सिंगल फेस के लिए है, यहाँ से फेस न्यूट्रल इन होगा और यहाँ से आउट होगा। कोई सा भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम फेस न्यूट्रल देते हैं। बाकी टाइमर वगैरह सेट करने के लिए इसको सेट कैसे करना रहता है हम बता देते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल ये देखते हैं, इसको हमेशा खींचना है, पकड़ करके हमें खींचना है। ये देखिए इसको हम पकड़ करके, थोड़ा टाइट रहता है, इस तरह से हम खींचेंगे। बाकी खींच करके आप चाहते हैं अपने अनुसार कहीं पर भी सेट करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से वापस पुश कर दीजिए। इसमें कटआउट देख सकते हैं, कटआउट है इसमें, तो इस तरह से कटआउट को इसमें लगाना है, प्रेस कर देना है। ये देखिए प्रेस किए, ये हो गया, वापस से चल रहा है। बाकी इसको भी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से खींचना है हमें। देखते हैं लॉक है, ये हमने यहाँ से खींचा और इसको भी आगे पीछे कहीं पे भी इसको इस तरह से पुश कर देंगे, वापस लगा देंगे। ये हमारा फिट हो जाएगा टाइमर, ये हमारा सेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इसमें ऑन ऑफ होता कैसे है, कैसे होता क्या रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ा है, ये देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं पॉइंट जो दिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर जो दिखा हुआ कटआउट, ये बड़ा है, देख सकते हैं ये बड़ा है। तो ये चीज जो है कटआउट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी आया, ये जो हमारा लंबा सा थोड़ा सा दिख रहा है, इससे हमारा कनेक्टिंग होता है, पॉइंट होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो इसमें जा करके ये फंसता है। ये ऐसा एग्जांपल आया, ये देखते हैं बड़ा है, तो ये बड़ा चीज रहता है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये इसे आता है, अंदर आता है और यहाँ पर टच होता है, इसके अंदर जो है ये टचअप होता है, टच होता है और ये वर्क करता है इस तरह से। देखिए ये देखिए कटा पूरा। तो इसके पीछे क्या रहता है, देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली मोटर है, यहाँ पर एक छोटा सा मोटर लगा हुआ है, ये हमें घुमाता है, वापस घुमाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर जो इन होता है, ये रहा हमारा पावर इन होता है। यहाँ पर जो पावर हमारा इन होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर जो आता है हमारा डायरेक्ट है, ये पॉइंट देख सकते हैं, ये न्यूट्रल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे तो एक हमारा डायरेक्ट आएगा। बाकी जो ऑन ऑफ होता है, पावर कंट्रोल होता है, वो फेस के माध्यम से होता है, बस फेस जो है वही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फेस है, ये फेस हमारा पावर आता है यहाँ पर, ये बायोमेट्रिक स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक स्विच है, यहाँ पे ये हमारा ऑन ऑफ करता है। इसको अभी दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो मैनुअल चालू करता है, ये तो हमारा हो गया ऑटो होता है, ये घूम करके आएगा ऑटो होगा, टाइमर के हिसाब से ऑन ऑफ होगा। बाकी आप मैनुअल ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको घुमाएंगे, देखिए यहाँ से आप प्रेस करेंगे, ये ऑन ऑफ होता है। तो कैसे हो रहा है आप यहाँ से देख सकती है, यहाँ पर जो है ये कटआउट लिखा हुआ है, घड़ी नुमा दिख रहा है, यहाँ पर सेटिंग है। तो यहाँ पर हम पकड़ के इसको घुमा रहे हैं, ये देखिए अभी चेंज होता है किस तरह से, ये देखिए हमारा आया, ये देखिए ऑन हो गया, ये भी देखिए यहाँ पे आया वापस, यहाँ पॉइंट देख सकते हैं बायोमेट्रिक है, यहाँ पर टच हो गया है। ये जब टच हो जाएगा तो यहाँ पर पावर हमारा आउट होगा। एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से पावर इन हो रहा है, वापस यहाँ से आउट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, फेस न्यूट्रल यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम यहाँ से घुमाते हैं, ये देखिए पॉइंट जो है छोड़ दिया, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट जो छोड़ दिया, पावर डिस्कनेक्ट हो गया, वापस यहाँ पर पावर जुड़ गया। तो ये टाइमर यही काम करता है, यहाँ से जो मोटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है, ये मोटर जो है इस घड़ी को घुमाता है, ये घड़ी घुमाते रहता है। बाकी जो टाइमर जो हमारा ऑन ऑफ करता है, स्विच करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये स्विच ऑन ऑफ करता है, घड़ी है ये जो लगा हुआ है, ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से यही हमारा ऑन ऑफ होता है, ये हमारा कंट्रोल करता है, देख सकते रहेंगे यहाँ से, ये देखिए ये ऑन ऑफ हमारा हो सकता है। तो इस तरह इसका फंक्शन रहता है, फंक्शन वगैरह करता है। ये हमारा अभी क्या हो जाता है, कई बार ये इसे मोटर जो है डेमो खराब हो गया, तो इसमें खराब नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम पावर आ रहा है, ये नहीं चल रहा है, जिसका मतलब हमारा डेमो मोटर जो है ये खराब हो गया है। कई बार यहाँ पर देख सकते हैं हमारा घड़ी नुमा, यहाँ देख सकते हैं गियर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये गियर वगैरह है, ये भी अगर हमारा कोई गियर जो है, क्योंकि ये हमारा आता है थोड़ा हार्ड रहता है, ये हार्ड होने के कारण यहाँ पर कई बार टूट जाता है, खराब हो जाता है, या कोई भी शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर हमारा जल गया, खराब हो गया, तो वो कंडीशन में ही हमारा मोटर तो ये खराब हो जाएगा। तो उसके बाद हम दिखा देते हैं आप लोग को इसका वायरिंग, दिखा देते हैं किस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो इसका टाइमर है ऊपर निकाली है, इसमें फेस न्यूट्रल हमने पावर देना है, चालू करना है, चल रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे वर्क करेगा, ये हम आप लोग को चालू करके पावर चालू करके दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पावर जो लिखा हुआ था, पावर में हमने यहाँ पर फेस और न्यूट्रल दे दिया है, सप्लाई दे दिया, और यहाँ पर इंडिकेटर भी देख सकते हैं चालू हो गया, ऑन हो गया है, रेड कलर का ऑन हो गया है। उसके बाद हम लेते हैं मीटर लेते हैं, यहाँ पर हमने मीटर लिया है और यहाँ पर जो है ये हमारा इन हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पर इन हो रहा है, इन हो रहा था, यहाँ देख सकते हैं हमारा वोल्टेज शो कर रहा है। तो उसी तरह से हमें यहाँ जिसका आउट जो रहता है उसको भी चेक कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो आउट पॉइंट है इसको भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी आउट नहीं हो रहा, यानी पावर नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा टाइमर से ऑफ है, कट ऑफ है।
जिसको हम यहाँ से घुमाएंगे, यानी टाइमर जो रहता है हम इधर हाथ घुमा रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से पावर रहेगा तो घूमता है, तो ऑटोमेटिक घूमता था टाइम लगता था इसलिए हम इसको हाथ से घुमा करके ऑन किया। देखिए हमने जो ऑन घुमाया तो हमारा चालू हो गया, यानी रेड सिग्नल उसमें पॉइंट लगा था उसमें, तो उसमें बॉडी में जिस स्विच में टच हुआ ये ऑन हो गया है। वापस इधर से हम घुमाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं स्विच है ये, यहाँ से टच हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं गियर चेंज हुआ और पावर ऑफ हो गया। ये देखिए इसका जो इसमें तीत रहता है वो कटआउट हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो रहता है इसको भी हम चेंज कर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली घुमा करके ये हम डायरेक्टली मैनुअल चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से हम घुमाइए, देखिए हमारा पावर ऑफ हो गया ऑन हो गया, इस तरह से मैनुअल भी स्विच से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारा फाइनल जो हमने लगाया हुआ है कुछ इस तरह से है, इसमें पावर देखिए फेस न्यूट्रल इन है और दूसरा में फेस न्यूट्रल आउट है डायरेक्ट, तो इस तरह से रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप जो है ये वीडियो को अधिक से अधिक नए टेक्नीशियन नए लोगों के पास शेयर करें, वो लोग भी सीख सके देख सके। आप देख सकते हैं हमारा इसी तरह से बहुत से जो है हेल्प संबंधित आप लोगों के एस आर सर्विस सेंटर में जो भी है एक टेक्निकल वीडियो है, एसी संबंधित है, फ्रिज कूलर मोटर बाइंडिंग हर एक चीज का जो है हमारा बहुत से वीडियो है। आप अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन जरूर करें, ऑन करेंगे हम ये सब कोई सा भी दूसरा नया और भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।